बिहार के गोपालगंज में हुई एक शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हर किसी के जुबान पर एक ही चर्चा है, प्यार हो तो ऐसा। अपने प्यार को पाने के लिए फिलीपींस की दुल्हनिया सात समंदर पार कर गोपालगंज पहुंची और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी के मंडप में फिलीपींस की दुल्हनिया ने गोपालगंज के युवक से शादी रचाई। दरअसल फिलीपींस में पली बढ़ी और पढ़ी लड़की का नाम वेलमुन डुमरा है। वेलमुन डुमरा को ना तो हिंदी आती है और ना ही हिंदू धर्म की रीति रिवाज का पता है, फिर भी अपने प्यार को पाने के लिए बिहारी लड़की धीरज प्रसाद के साथ हिंदू रीति रिवाज और पूरे विधि विधान के साथ शादी रचाई। फिलीपींस की रहने वाली लड़की ने बताया कि कुवैत में सेल्समैन का काम करती थी, जहां पर भारतीय मूल के धीरज से मुलाकात हुई और एक झलक में प्यार हो गया और दिल दे बैठी और अब शादी कर रही है, अब एक साथ रहेंगे। विदेशी महिला से शादी रचाने वाले धीरज प्रसाद गोपालगंज जिले के फुलवरिया प्रखंड के मुरार बतराहा गांव के रहने वाले हैं। दोनों लड़का लड़की कुवैत में नौकरी करते हैं, लड़का होटल मैनेजर एवं लड़की मार्केटिंग में है। फिलीपींस की वेलमुना डुमरा ने अपने बिहारी प्रेमी धीरज प्रसाद के साथ हिंदू रीति रिवाज और पूरे विधि विधान के साथ मुरार बतराहा गांव में शादी रचाई। इस शादी को लेकर इलाके में खूब चर्चा हो रही है। परिजनों के मुताबिक वेलमुन डुमरा अपनी शादी में स्पेशल वीजा लेकर भारत आई है। उनके माता पिता को वीजा नहीं मिल पाने के कारण वो शादी में शरीक नहीं हो पाए। I came from Philippines. I met Dheeraj in Kuwait. Before we're working and met in a restaurant. That's why actually our love story starts in that. And I've been studying before in Butuan Sambat as a studied in business management. Myself, Dheeraj Virendra Prasad. I have done my bachelor's in hospitality and tourism studies. I've been working in Kuwait, so I found her there and then we met. We got friendship and then return into relationship. Then currently I'm working as a manager, handling 3-4 chain restaurants, and she's a sales marketing team.